बच्चों गुड मॉर्निंग। छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखाती हैं, तभी तो नाना नानी की बातें अक्सर याद आती हैं। तो चलो आप मुझे अपने नाना मान लीजिए और आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ वो लम्हे शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है इनसे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ना कुछ उत्साह मिले और कुछ ना कुछ लगन मिले। आइए, मैं भी आपकी तरह बड़ा चंचल और खेलने का बहुत शौकीन था। 10th स्टैंडर्ड में हमारे दो स्कूलों के बीच एक क्रिकेट का मैच हुआ। हमारे घर से कोई 100 गज दूर संडे के दिन वो मैच खेला गया। 4 बजे करीब हमारी टीम जीत गई और मैं ये समझ बैठा कि मेरी बदौलत मेरी टीम जीती है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा 27 रन बनाए थे और 2 कैच भी पकड़े थे। लाजमी था कुछ प्राइड, कुछ घमंड का आ जाना। बस जब वो सब वहाँ ख़त्म हुआ तो मैं अपने घर की तरफ अपने बैट को लिए हुए स्विंग करते हुए खुशी में पागल होकर घर की तरफ चला। ना जाने क्यों रास्ते में बेचारा कुत्ता सो रहा था और मैंने वो अपना बैट उसको दे मारा। बस वो चिल्लाता हुआ लंगड़ाता हुआ वहाँ से भाग लिया और मैं घर आ गया। मैंने सबको ये बात बताई, नहाया और हम लोगों ने रात को डिनर किया। उसके बाद मैं थका हुआ था, पर रात भर न जाने क्यों उस घमंड में या जीतने की खुशी में मुझे नींद कुछ देरी से आई। सुबह उठ के वही रूटीन, सोमवार का दिन स्कूल जाना। मैंने अपना बैग उठाया, अपना साइकिल निकाला और स्कूल की तरफ चला। मैं कुछ लेट हो गया था क्योंकि कुछ लेट उठा, इसलिए मैं साइकिल तेज चला रहा था। अचानक एक छिलके, केले के छिलके के ऊपर मेरा अगला टायर आया और मेरा साइकिल स्किड हो गया और मैं जा गिरा एक कुत्ते के ऊपर जो कि वहाँ पे लेटा हुआ था और उसने मुझे मेरी टांग पे काट दिया। बस मैं मुश्किल से उठा, साइकिल उठाया, खून निकल रहा था, घर को पहुंचा, मुझे डॉक्टर के पास ले गए और आपको जान के अचंभा होगा कि वो डॉक्टर ने जब वो कुत्ते का काटा हुआ देखा तो उसने मेरी माताजी को ये कहा कि इनको अब 14 इंजेक्शन पेट में लगेंगे और ये आपको हर रोज़ 1 इंजेक्शन लगवाना है। बच्चों वो 14 इंजेक्शन मैंने लगवाए, पर हर इंजेक्शन लगाते हुए मेरे मन में एक ही बात आती थी, मैंने वो कुत्ते को मारा, ये गलत किया और ये उसकी सजा है। वो 14 बार रियलाइजेशन होने में वो बात मेरे मन में बैठ गई और मैं अब सॉरी तो कह नहीं सकता कि ना कुत्ते को ना खुदा को, लेकिन एक बात ज़रूर है, उस दिन से मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और उसके बाद सच्चाई की बात है, मुझे भी किसी ने दुख नहीं दिया। तो बच्चों ज़िंदगी में अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते मत दो, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते मत दो, पर दुख मत देना, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो कोई भी हो, दुख ना दीजिए। बस ये मेरी ज़िंदगी की शिक्षा थी। मुझे यकीन है कि आप बच्चे इस शिक्षा को लेके सुख के भोगी बनेंगे और हरदम खुश रहेंगे,
खुशहाल रहेंगे।